ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको सीधे लिए चलते हैं पीएम के संबोधन में, जहां कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधानों को लेकर वो देश को संबोधित कर रहे हैं। उतना ही अच्छा अच्छे तरह साथियों, एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है। अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। R&D की जब बात आती है तो सिर्फ बीज तक ही सीमित नहीं, बल्कि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकिल होना चाहिए। हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहे। ऑर्गेनिक फूड से लेकर सलाद से जुड़ी सब्जियों तक ऐसी अनेक फसलें हैं जो हम आजमा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूंगा। मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है। ये कम पानी में भी बेहतरीन उपज देते हैं। मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, सीवीड और बी वैक्स, आज हनी का हमारे यहां धीरे धीरे फैला हो रहा है और किसान भी हनी बी की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में समुद्री तट पर सी वीड और बाकी क्षेत्रों में हनी बी और फिर बी वैक्स, इसके मार्केट को टैप करना भी समय की जरूरत है। सी वीड की फार्मिंग के लिए देश में बहुत संभावना है, बहुत कोस्टलाइन हमारे पास है। सी वीड से हमारे मछुआरों को आमदनी का एक बड़ा माध्यम मिलेगा। इसी तरह हम शहद के व्यापार में तो बेहतर कर रहे हैं, हमें बी वैक्स की लेकर भी अपनी भागीदारी और बढ़ानी है। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इस पर भी आज जब दिन भर आप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो जरूर अच्छी अच्छी बातें उभर करके आएगी। जब प्राइवेट सेक्टर की ये भागीदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। साथियों, देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है, और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते होने का, ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। किसानों को ऋण, बीज, खाद और बाजार, ये किसान की प्राथमिक जरूरत तो है ही, जो उसे समय पर चाहिए। बीते वर्षों में
किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा हमने छोटे से छोटे किसानों तक, पशुपालक और मछुआरों तक उसको बढ़ाया है, उसका विस्तार किया है। हमने अभियान चलाकर पिछले एक साल में 1,80,00,000 से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। क्रेडिट का प्रावधान भी 6-7 साल पहले की तुलना में